प्यारे पाकिस्तानियों, पेशी खिदमत हैं आज की ताज़ा खुशखबरियां। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक खुशाइन खबर। पाकिस्तान मॉर्गन स्टेनले कैपिटल इंटरनेशनल इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स पर अपनी पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब। तज्जियाकारों के मुताबिक MSCI का ये फैसला आलमी स्टॉक मार्केट सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए मुफीद साबित होगा। कोरोना वायरस से मुतालिक चंद मुस्बत खबरें। जनूब मशरकी एशिया के मुल्क कंबोडिया में तमाम COVID-19 से मुतासर मरीज सेहतियाब। गुज़िश्ता एक माह से कोई नया कोरोना केस सामने नहीं आया। कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासर होने वाले मुल्क स्पेन में कोरोना मरीजों की अमवात में कमी का रुझान। गुज़िश्ता दो माह में पहली बार यौमिया हलाकतों की तादाद 100 से कम रिकॉर्ड। इटली में भी गुज़िश्ता दो माह के अरसे में यौमिया अमवात अपनी कम तरीन सतह पर 153 अमवात रिकॉर्ड। वजारत दाखला की जानब से ईद उल फितर की 6 रोजा तातीलात का ऐलान। तातीलात 22 मई से 27 मई तक होंगी। तमाम कारोबार, तजारती मराकज और बाजार बंद होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अमरीकी मुसलमान तिब्बी मायर मुनसिफ मोहम्मद सलोई को कोरोना वायरस की वैक्सीन तलाश करने के लिए फास्ट ट्रैक प्रोग्राम का सरबराह नामजद कर दिया। ट्रंप ने बताया कि वह दुनिया के मशहूर इम्यूनोलॉजिस्ट हैं जो 14 नई वैक्सीनों की तैयारी में मदद दे चुके हैं। बरतानिया की सिख बरादरी ने पाकिस्तान की पहली सिख खातून सहाफी मनमीत कौर को दुनिया की 30 साल से कम उम्र 100 तरीन शख्सियात में शामिल कर लिया। 16 साल पाकिस्तानी नौजवान फिजिसिस्ट शहीर नियाजी ने सर आइजक न्यूटन का रिकॉर्ड तोड़कर पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। उन्होंने अपनी तहकीक इलेक्ट्रिक हनीकॉम्ब इफेक्ट पर की है। शाहिद अफरीदी ने बांग्लादेशी बैट्समैन मुशफिकुर रहीम का बैट $20,000 में खरीद लिया। मुशफिकुर रहीम ने इस बैट से बांग्लादेश की पहली डबल सेंचुरी बनाई थी। इस बैट की नीलामी से मिलने वाली रकम बांग्लादेश में कोरोना से मुतासर अफराद पर खर्च की जाएगी। जर्मनी की फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन की पाबंदियों के बाद बहाल होने वाली पहली लीग। इस लीग के तमाम मैचेस बगैर तमाशाइयों के और मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखते हुए खेले जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल ताज़ा खबरों के साथ हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।